हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गुरु में। लास्ट वीडियो हमने पास्ट सिंपल टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अभी हम जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रखेंगे। देखिए, पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस है इसके बारे में बात करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब क्या क्या होती है, दैन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ऑल दिस टाइप कुछ एडवर्ब्स होती है। अगर आपको ये सेंटेंस में कहीं पर मिलती है तो आपको उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो आपको फिलअप करना है। देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है इसके में एक तो आपको हेल्पिंग में मिलेगी एक मैन वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग होती है वो होती है वाज और वर। वाज है वो अपने सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, आई एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, वर्ब है वो वी, यू, दे और साथ में ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स। इन सब के साथ में आपको देखनी है वाज और वर का यूज, इसमें आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब करना है। वाज जब वो सिंगुलर के साथ में यूज होती है और वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ में यूज होती है। साथ में जो मैन वर्ब है उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, इस टाइप की अगर आपको एडवर्ब मिलती है सेंटेंस में तो आपको उसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस करना है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये हो गया कि आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर्क का आपको यूज करना है। ठीक है, वाज है वो ही, सीट एंड सिंगुलर के साथ में, और साथ में आई जो है वो भी इसमें सिंगुलर पर मान के चलेंगे। ठीक है, रिमेंबर दिस, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और जो वर है वो होगा वी, यू, दे, वो सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्क का यूज करना है। साथ में जो मेन वर्ब है उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। बस इसके बारे में इतनी जानकारी है फ्रेंड्स। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है आप बेल आइकन को प्रेस करें।